के शेयरों में निगेटिव न्यूज़ आती है तो आपको थोड़ा सा धैर्य का काम लेना है। अब तो ये तो है नहीं कि सर जो हमारे पास शेयर है उसके अंदर अच्छी अच्छी न्यूज़ आती रहे, निगेटिव भी तो आएगी पॉजिटिव भी तो आएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करेंगे सर HFCL की, बात करेंगे टाटा पावर की और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैंने आपको एक बात बतानी है कि वो ये बात है कि जब भी आपके शेयरों में निगेटिव न्यूज़ आती है तो आपको थोड़ा सा धैर्य का काम लेना है। अब तो ये तो है नहीं कि सर जो हमारे पास शेयर है उसके अंदर अच्छी अच्छी न्यूज़ आती रहे, निगेटिव भी तो आएगी पॉजिटिव भी तो आएगी। अब पॉजिटिव और निगेटिव के तालमेल से ही अपने को संभालना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि न्यूज ही एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ते शेयरों में गिरावट और गिरते शेयरों में बढ़ावट कर देती है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में और इंट्राडे में आपको तुरंत इफेक्ट लाकर दिखाती है, वो है सर न्यूज़। तो न्यूज़ को गंभीरता से और धैर्य से और शांत होकर समझिए और उसके आने वाले जो भी पॉजिटिव निगेटिव संकेत होते हैं उसका एनालाइज आपको अपने द्वारा करना पड़ेगा। बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक जहां आपको पहले 25% तक के भी रिटर्न दिखाने के लिए मजबूर हो गया था, अब वो घटाकर आपको 10-12% का रिटर्न दे रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि ये रिटर्न वाली चीज़ों में आपको फंसना नहीं है, डिलीवरी वाली चीज़ों में भी आपको फंसना नहीं है। हर शेयर रिटर्न दे रहा है, हर शेयर निगेटिव रिटर्न दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, हर शेयरों में डिलीवरी उठ रही है, कम हो रही है, इसमें आपको लोग उलझाएंगे। आज खरीदने वाला कल बेच सकता है, परसों बेच सकता है, रोका किसी को किसी ने नहीं है। रिटर्न जो मिल रहा है वो हमें नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है। तो ये सारी समस्याओं में आपको फंसना नहीं है, और आपको ये देखना है कि जिसका भी शेयर आपके पास है वो शेयर ग्रोथ कर रहा है या नहीं, यानी कि वो कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं है। तो इसी का नाम है सर मार्केट। यस बैंक जिस तरीके से 22 अक्टूबर को रिजल्ट अपना प्रस्तुत करेगा, उससे पहले उसने अपने नंबर भी प्रस्तुत कर दिए हैं जो पॉजिटिव संकेत दिखा रहे हैं, जिसके द्वारा लग रहा है कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आने की उम्मीद है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको तेजी के संकेत उस दिशा से नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वैश्विक स्थिति जो है वो प्रॉब्लम में गिर रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, सारी चीजों को आपको समझकर ही चलना पड़ेगा। इतनी जल्दी ये मार्केट आपको पैसा देने वाली नहीं है। तो 22 अक्टूबर को इनकी एक बोर्ड मीटिंग है, उसमें ये अपना रिजल्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यस बैंक के शेयर जो आपके पास नहीं है बहुत लोगों के पास हैं, और जब शेयर एक ही कंपनी के शेयर बहुत लोगों के पास होते हैं उसमें उतार चढ़ाव भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यस बैंक प्रगति की ओर है और इसको आपको पॉजिटिव संकेत से देखना है, ये आपको लॉस से प्रॉफिट लाकर दिलाने वाला ये बैंक प्रशांत कुमार जी ने बनाया है, और उनके द्वारा जो दोबारा से उनको 3 साल के लिए फिर से COMD का पद सौंपने की एक मंशा उनको बता दी है, तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर डाला है। तो यस बैंक को फिर से आपको समय देना है, जिस तरीके से हर चीज़ इस टाइम मौद्रिक नीति की वजह से, ब्याज दरों की वजह से बिगड़ती जा रही है, मंदी का दौर चलने की आपको उम्मीद जताई जा रही है, शेयर प्राइस भी आपका उस तरीके से चल रहा है, तो पॉजिटिव संकेत हैं, होल्ड वाले इसके अंदर पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं। HFCL के MD महेंद्र नाटा जी ने कह दिया है कि वो अपनी सेल को साल दर साल 15-20% में की वृद्धि कर देंगे, यानी अपने कारोबार में वो 15-20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। उनका कहना है कि जिस तरीके से 5G आने वाला है, उनकी नज़रें 5G पर हैं, ऑप्टिकल फाइबर की जिस तरीके से 5G में ज़रूरत पड़ेगी और उनके जो उपकरण आते हैं उनकी भी ज़रूरत 5G में पड़ती है, तो उसके अंदर उन्हें अपनी सेल को 15-20% की उम्मीद जताई है। बहुत ही पॉजिटिव संकेत आ रहा है, और इस साल उन्होंने कुल कारोबार का 15% की वृद्धि होने का अनुमान एक दे दिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत लाकर आपको HFCL में दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि वो निर्यात में भी ज़्यादा 30% का ध्यान देंगे, और ऑप्टिकल और उपकरणों से वो इस कारोबार के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की मंशा उनकी है। उनके पास अभी ऑर्डर बुक जो है 6500 करोड़ रुपए की है, यानी 6500 करोड़ रुपए के उनके पास अभी भी ऑर्डर बुक है, इसको भी ये मजबूती की तरह से आगे बढ़ाने की उम्मीद ये देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 5G आने से ज़्यादा फ़ायदा HFCL का होने वाला है, इस शेयर को आपको पॉजिटिव संकेत के द्वारा देखना पड़ेगा।
बात करेंगे टाटा पावर की, और टाटा पावर के ऊपर पड़ गया है साइबर अटैक, यानी उनकी कुछ आईटी सिस्टम में साइबर अटैक पड़ गया है। ये एक ऐसा अटैक होता है जिसकी वजह से उनके सिस्टम में जो भी चीज़ें होती हैं वो हैक होने का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर टाटा पावर के लिए आ रहे हैं, लेकिन टाटा पावर ने इसकी पुष्टि कर दी और कहा है कि वो इसको निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और अपने सिस्टम को फिर से रिस्टोर करने की उम्मीद वो बता रहा है। यहाँ पर एक ये निगेटिव न्यूज़ है जो आपके शेयरों में गड़बड़ भी कर सकती है, यानी आपके जो शेयर हैं एग्जिट भी करा सकती है इस न्यूज़ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक होना एक ये बड़ा ही प्रश्न का सवाल उठ जाता है। अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साइबर जो क्राइम होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी ध्यान देगी और टाटा पावर भी देगा, अगर कंपनी अभी सिस्टम में भी काम करने वाले हैं जो उनके साइबर अटैक के खतरे को कम कर सके। तो यहाँ पर एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन आपको ये देखना है कि जिस तरीके से इसने ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाने की मंशा बताई है और अपना ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान टाटा पावर देने वाला, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। रूफटॉप हो गया सर, सोलर क्षेत्र में हो गया और सोलर पंप में भी इसने अपनी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा जताई है। तो आपको इस शेयर में आने वाले दिनों में गिरावट के सिलसिले तो मिल सकते हैं, लेकिन उससे आने वाले दिनों में पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब क्या होगा, मेरे पास तो शेयर है इसके अंदर से अटैक हो गया। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये कंपनी इसको सॉल्व करेगी। आपको तो अपने शेयर हैं उसको समाधान रखना है, उसको संभाल कर रखना है, उसमें धैर्य रखना है, वही आपको शेयर मार्केट से बचाएगा। वरना निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ तो सर निरंतर आएगी, उसे झेलने के जो तरीके आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।